भारत की मेजबानी में खेले जा रहे वनडे वर्ल्ड कप 2023 में 24 अक्टूबर को बेहद ही नीरस मैच खेला गया। इस मुकाबले में साउथ अफ्रीका की टीम ने 383 रनों का टारगेट सेट किया। इसके जवाब में पूरे बांग्लादेशी खेमे ने पूरी बांग्लादेशी टीम 233 रनों पर सिमट गई। इस हार के साथ बांग्लादेशी टीम सेमीफाइनल की रेस से लगभग बाहर हो गई। इस तरह अफ्रीकी टीम ने यह मुकाबला 149 रनों के अंतर से जीत लिया। बता दें कि 383 रनों के टारगेट का पीछा करने उतरी बांग्लादेश की टीम शुरुआत से ही स्ट्रगल करती नजर आई। उसने 31 रनों पर 3 विकेट गवा दिए, फिर 81 रनों तक 6 विकेट गिर गए। इसके बाद महमूदुल्ला ने पारी को संभाला और नसूम अहमद के साथ 41 रनों की पार्टनरशिप की। इसके बाद महमूदुल्ला ने मुस्तफिजुर रहमान के साथ 9वें विकेट के लिए 68 रनों की पार्टनरशिप कर टीम को वर्ल्ड कप इतिहास की सबसे बड़ी हार से बचा लिया। मगर महमूदुल्ला भी टीम को जीत नहीं दिला सके। इसके बाद पूरी टीम 233 रनों पर सिमट गई। टीम के लिए महमूदुल्ला ने 111 गेंदों पर 111 रनों की तूफानी शतकीय पारी खेली। लेडन दास ने 22 रन बनाए। महमूदुल्ला ने शतक जमाकर साउथ अफ्रीका से वर्ल्ड कप इतिहास की सबसे बड़ी जीत दर्ज करने का मौका छीन लिया। महमूदुल्ला और लेडन दास के अलावा कोई भी बांग्लादेशी बल्लेबाज 20 का आंकड़ा नहीं छू सका। साउथ अफ्रीका के लिए गेराल्ड क्वाइजी ने 3 विकेट झटके, जबकि मार्को जेंसन, लिजार्ड विलियमसन और कगिसो रबाडा ने 2-2 विकेट लिए। केशव महाराज को 1 विकेट जरूर मिला। बता दें कि अब इस मैच में हार के बाद से साउथ अफ्रीका की टीम इस विश्व कप से लगभग बाहर हो गई है। 5 में से 4 मुकाबले जीत लिए हैं साउथ अफ्रीका ने और टीम दूसरे नंबर पर पहुंच गई, जबकि बांग्लादेशी टीम की ये 5 मैचों में 4थी हार है। अगर वो अपने बाकी बचे 4 मैच जीत भी ले तो उसके 10 अंक ही होंगे। इस तरह से वो अब सेमीफाइनल की रेस से लगभग बाहर हो चुकी है। आपको बता दें, ना केवल बांग्लादेश, वो श्रीलंका हो या फिर नेदरलैंड, इंग्लैंड, ये सारी टीमें भी लगभग उसी कगार पर है कि सेमीफाइनल की रेस से ये खुद को बाहर देख पा रही हैं। यहाँ आपको एक और दिलचस्प बात बता दें कि वर्ल्ड कप इतिहास में रनों के लिहाज से सबसे बड़ी जीत का रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलिया के नाम दर्ज है, जिसने मार्च 2015 में अफगानिस्तान को 275 रनों से शिकस्त दी थी। दूसरी बड़ी जीत भारत के नाम है, जिसने मार्च 2007 में बरमूडा को 257 रनों से हराया था, जबकि तीसरी बड़ी जीत साउथ अफ्रीका के ही नाम है, जिसने फरवरी 2015 में वेस्टइंडीज को 257 रनों से शिकस्त दी थी।